हाय एवरीवन, मैं हूँ आदित्य एंड वेलकम टू अवर सीरीज 100 मूवीज दैट यू शुड वॉच। अब तक मैंने आपको इस सीरीज में टोटल 6 मूवीज बताई हैं और आज मैं आपको 2 मूवीज और बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि मैंने कोई रैंकिंग दी, क्योंकि कई लोगों का मेरे पास कमेंट आया, मैसेज आया कि क्या ये आपकी रैंकिंग है। तो ये कोई रैंकिंग नहीं है, ये एक लिस्ट है जो कि मैंने बनाई थी कि मूवीज़ जो मैं रिकमेंड करना चाहता था। और ये कुछ 100 मूवीज़ हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि मैंने इन्जॉय किया वो आप भी देखो और आप भी इन्जॉय करो। मूवी की बात करते हैं तो आज जो मैं 2 मूवी रिकमेंड करने जा रहा हूँ, उसमें पहली जो मूवी है वो एक कन्नड़ मूवी है और मूवी 2013 में आई थी। मूवी का नाम है लूसिया। और अगर आप मेरा ट्रेल चैनल फॉलो करते होगे तो आपको लूसिया के बारे में अभी तक पता चल गया होगा। अगर नहीं करते होगे तो लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हमारा ट्रेल चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा। तो लूसिया की बात करें तो लूसिया का बस मुझे कॉलेज में जाके पता चला था, क्योंकि 2013 में आई थी और 14-15 में इसको ऑफिशियल सिलेक्शन था इंडिया का ऑस्कर के लिए, ये नॉमिनेट की गई थी। और दूसरी इस मूवी के लिए एक चीज़ और थी कि ये मूवी शायद पहली ऐसी मूवी थी जो इतने बड़े स्केल पर बनी थी और ये पूरी की पूरी तरीके से क्राउड फंडेड मूवी थी। मूवी के एक्टर की बात करें तो मूवी में सतीश हैं और श्रुति हरिहरन है, और जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम है पवन। पवन वही है जो कि 2019 में लीला आई थी नेटफ्लिक्स पर, तो उसके एक डायरेक्टर थे पवन। मूवी की बात करते हैं तो मूवी शुरू होती है एक जगह से जहां पर एक इंसान है, कोई वो वेंटिलेटर पर है और साथ के साथ एक आदमी जो कि अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है जिसका नाम है निक्की, और वो बैंगलोर में अपना बिल्कुल बहुत ही सादा सा जीवन जी रहा है। उसकी उसकी कोई जानने वाली है, मतलब जिसे वो प्यार करता है, वो पिज़्ज़ा बनाने वाली का कॉफ़ी शॉप में काम करती है और ये सारी चीज़ें। साथ के साथ जो पैडलर में एक और आदमी है जिसकी ज़िंदगी चल रही है, उसका नाम है निखिल, और निखिल जो है वो एक सुपर स्टार है, वो मतलब बहुत ही पॉपुलर एक्टर। पर जो निक्की है, निक्की को नींद नहीं आती तो दवाइयाँ लेता है और जो दवाइयाँ वो लेता है उसकी वजह से वो सपने देखता है और सपने में उसको निखिल दिखता है। तो निक्की अपने सपने के निखिल में जिसको भी देखता है वो उसकी लाइफ में आ जाता है। निक्की इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि क्या हो रहा है, कि जो भी मैं चीज़ें देख रहा हूँ सपने में वो मेरी लाइफ में लोग आ जा रहे हैं। और दोनों की एक अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं, अलग अलग प्रॉब्लम चल रही है दोनों अपनी। निक्की अपनी लाइफ में बहुत खुश है, निखिल जो कि सपनों में है उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग चल रही है। वो पूरी ब्लैक एंड वाइट लाइफ है, उसको ब्लैक एंड वाइट तरीके से फिल्म में दिखाया भी गया है। तो ये पूरी चीज़ चलती है और अंत में जो है कि निखिल को लगता है कि उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा गलत है और उसको इस लाइफ को एंड करना पड़ेगा ताकि वो वापस से अपनी ओरिजिनल दुनिया में जा सके, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल सके। और वो अपनी सपनों की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब ट्विस्ट इस मूवी का ये है कि कंफर्म ये नहीं है कि जो ज़िंदगी वो समझ रहा है सपनों की वो ही सपनों की ज़िंदगी है, या वो जो असली ज़िंदगी समझ रहा है वो सपनों की ज़िंदगी है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से इस मूवी को दिखाया गया है, बहुत ही दिमाग को घुमा देने वाली कहानी है इसकी। कह सकते हैं कि वो वाला फील देती जैसे आपने अंधाधुंध देखा था ना, तो दिमाग घूम जाता है एंड की सीन के बाद, क्या हो गया भाई ये, ठीक वैसा ही वाइब है इसका। बहुत ही अच्छी मूवी है, मैं पूरी तरीके से रिकमेंड करता हूँ कि इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। नेक्स्ट मूवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी हो सकती है अगर मैं मूवी बफ्स लोगों की बात करूँ तो। मूवी का नाम है रॉकफोर्ड। रॉकफोर्ड जो है वो 1999 में आई थी और इसके डायरेक्टर हैं, या कह सकते हैं प्रोड्यूसर और एक्टर सभी हैं, नागेश कुकनूर। और नागेश को जाना जाता है हैदराबाद ब्लूज़ की वजह से, जो कि जब वो विदेश में रहते थे और उनको फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक था तो वो इंडिया आए थे और उन्होंने 14-15 दिन में वो फिल्म बनाई थी। और फिल्म में ने बहुत ही ज़्यादा बज़ क्रिएट किया था क्योंकि अचानक से एक आउटसाइडर ने आके पैरेलल ही बिल्कुल पैरेलल तरीके से एक फिल्म बना दी और वो चल भी रही थी। तो नागेश ने 1999 में भी यही काम किया और रॉकफोर्ड लाई। और रॉकफोर्ड जो है वो कहानी एक बोर्डिंग स्कूल की, जिसमें एक लड़का है, उसका एक अपोजिट स्कूल है लड़कियों का, वहाँ पे उसको कोई पसंद आता है, दोनों स्कूल वाले बच्चे आपस में मिला जुला करते हैं, टीचर की कहानी इसमें, नंदिता दास भी, उनकी भी कहानी है। एक बहुत ही जो कह सकते हैं कि स्कूल का जो माहौल रहता है, जो कि आपको याद भी आएगा अगर आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो या आपके स्कूल का ऐसा कल्चर रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगी और ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट मूवी है ये, और मतलब आप इसमें कुछ ऐसा मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं इसको देखूं और बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोनाइज्ड हो जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बहुत ही फील गुड वाइब वाली मूवी है। और इस मूवी का जो मैं प्लस पॉइंट देता हूं वो ये है कि इस मूवी के गाने, इस मूवी में एक गाना है यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, हाँ ये इसी मूवी का गाना है, आपने ज़रूर सुना होगा। और दूसरा गाना ये है
कि आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, ये गाना भी आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप बी फॉर यू या जी म्यूज़िक कभी देखते होंगे अपने बचपन में। मूवी बहुत ही प्यारी है और मुझे लगता है कि ये एक तरीके की एक्सपेरिमेंटल मूवी है, तो उसको ज़रूर देखना चाहिए। तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। थैंक यू, आई विल बी बैक सून विद मोर रिकमेंडेशन।